सो हर वन माई सेल्फ सोनू सिंह एंड वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली यार आपका जे मेन्स एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है। तो बहुत सारे यार स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कि आप लोग जे मेन्स का फरवरी एंड मार्च अटैम्प्ट यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट का एग्जाम दिया होगा। तो आप लोग का यार बहुत सारे मिस बातें पता होगी एग्जाम के इंस्ट्रक्शन को लेकर के, एग्जाम के गाइडलाइंस को लेकर के, आपका एडमिट कार्ड में जो भी सारी इंस्ट्रक्शन होती है आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यार स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो आप लोग को अगर जो मिस नहीं पता है एग्जाम के इंस्ट्रक्शन को लेकर के एंड आपका जो एडमिट कार्ड में सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एग्जाम के गाइडलाइन ड्रेस कोड को लेकर के, आपको एग्जाम पे क्या सारी चीज़ें एग्जाम सेंटर पे क्या सारी चीज़ें लेकर के जाना नहीं लेकर के जाना, एग्जाम हॉल में क्या क्या करना होता है, क्या करवाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में यार इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे न्यू इंस्ट्रक्शन आए हैं आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, तो वो भी अगर जो आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग को मिस इस वीडियो में पता चल जाएगी। बाकी यार वैसे स्टूडेंट जिनका यार जेई मेन्स 2021 के लिए आपका मिस अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, आपको अगर जो ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा अच्छा परसेंटाइल अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे कि आप लोग उन्हीं 30 चैप्टर से 160-170 प्लस मार्क इन लास्ट वीक में अच्छे से आप लोग स्टडी करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो को देख सकते हो। बाकी अगर जोसा 2021 का फ्री काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो इसके लिए जोसा 2021 फ्री काउंसलिंग गाइडेंस के लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जे मेन्स 2021 के स्टूडेंट के लिए, जिसका ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लें। सो फ्रेंड्स, तो ये यार आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने आपका जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको मैंने अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है। बाकी यार इसके अलावा और भी जो भी जे मेन्स के लिए मिस गाइडलाइंस होता है ड्रेस कोड के बारे में मैं इसमें अच्छे से नोट किया हुआ हूँ, तो वो मैं आप लोग को बारी बारी से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यार आपका क्वेरी आता है कि भैया ये सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यार देखो आप लोग मिस जब अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। तो उसमें से आपका जो फर्स्ट पेज होता है वही आपका एडमिट कार्ड होता है एंड उसी में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो जब यार आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो यही जो है आपका मिस इस तरह से फर्स्ट पेज रहेगा एंड देन आफ्टर आपके नीचे में इस तरह से सेकेंड पेज एंड उसके बाद फिर ये थर्ड पेज, ठीक है। तो आपका यही तीन पेज जो है आप लोग मिस एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे तो फिर रहेगा, लेकिन आपको यार एग्जाम सेंटर पे जो है ओनली एंड ओनली फर्स्ट पेज यानी कि आपको इसी पेज को लेकर के जाना है, ठीक है। आपका जो ये यानी कि ये दोनों जो पेज है आपको ये दोनों पेजों को नहीं लेकर के जाना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का यार मिस क्वेरी जाता है कि भैया ये सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यही यार आपका ये जो फर्स्ट पेज है ना, यही फर्स्ट पेज में ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर्म इसमें ही दोनों है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे फर्स्ट में ऊपर में तो यहाँ पे आपका सारा जो है मीन्स यहाँ पे आपका जो है डिटेल्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोविजनल एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके नीचे में आप लोग जैसे ही नीचे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका मिस सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर्म भी है, ठीक है। तो आपको सिंपली ओनली एंड ओनली आपको सिर्फ इसी पेज को आप लोग को एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है, ठीक है। बाकी यार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको किस तरह से फिल करना है, क्या क्या सारी चीज़ें बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे फर्स्ट जो है यार यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछा है कि क्या आपको मीन्स पिछले 14 दिनों में आपको फीवर, कफ, ब्रेथलेस, ये सब इन जो भी प्रॉब्लम्स है इनमें से कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, ठीक है। तो आपको अगर जो पिछले 14 दिनों में अगर जो कोई प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ पे आप टिक करोगे एंड अगर जो नहीं हुआ है तो आप लोग को यार कहीं पे इस तरह से क्रॉस का जो है निशान यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। सिंपली से अगर जो हुआ है तो फिर टिक करना है, अदरवाइज आप लोग को सिंपली ब्लैंक रखना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कन्फर्म केस द कोविड-19, ठीक है। यहाँ पे ये मीन्स बताया जा रहा है कि क्या आप किसी कोविड-19 पेशेंट के मीन्स कॉन्टैक्ट में आए हैं, ठीक है। तो आप लोग मीन्स नहीं आए हुए तो इसको मीन्स जो है आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है। कोई भी आपको टिक नहीं करना है। बाकी सी पॉइंट में जो दिया हुआ है नॉट बीन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या मिस कोई जो है पर्सन यानी कि जो कि कोविड-19 के पर्सन के कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं आए हो तो आप लोग को यहाँ पे यानी कि टिक कर देना है, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको टिक करना है यानी कि आपने किसी भी कोविड-19 पर्सन के मिस कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं आए हो तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे डी में दिया हुआ है कि क्या आपने प्रीवियस मिस 14 दिन में आपने कहीं ट्रेवल किया है कोई मिस दूसरा सिटी को तो उसका अगर जो ट्रेवल किया है तो फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ सिटी एंड डेट ऑफ डेट ये सब देना है, सेकेंड सिटी कौन कौन सा सिटी आप लोग अगर जो ट्रेवल किया हो यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज इसको भी आप लोगों को सिंपली से ब्लैंक रखना है, ठीक है, ब्लैंक रख देना है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे फर्स्ट में आपका कैंडिडेट फोटो जो है आपका सेम एज अपलोडेड, ठीक है। जो आपका ये जो फोटो है आपने मिस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने फोटो अपलोड किया था इसी सेम फोटो को ये जो है यार आपको मिस होम से यानी कि एग्जाम सेंटर पे आपको पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले आप घर से ही आप लोग ये जो है यहाँ पे फोटो चिपका करके जा सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। आपको थंब इंप्रेशन जो है वो भी आपको रीचिंग द सेंटर, ठीक है, यानी कि टू पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर यानी कि आप लोग को सेंटर पहुंचने से पहले आप लोग घर से ही ये भी थंब इंप्रेशन भी यहाँ पे लगा करके जाना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट सिग्नेचर जो कि आप लोग को ओनली एंड ओनली इनविजिलेटर के सामने यानी कि एग्जाम हॉल में आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये हो गया अंडरटेकिंग।
सो फ्रेंड तो ये तो हो गया यार आपके में सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में। ठीक है यार, अब बात करते हैं आपके ड्रेस कोड के बारे में कि ड्रेस कोड मीन्स क्या क्या आपके लिए अलाउ है। ठीक है, तो सबसे पहले यार यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि मीन्स आपके मीन्स रिलीजन से रिलेटेड आपको कोई ड्रेस मीन्स विशेष ड्रेस पहनना पड़ता है, जैसे कि पंजाबी लोग जो होते हैं वो मीन्स पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, पगड़ी मीन्स बांधते हैं अपने सर पर। एंड बाकी जो मुस्लिम कोई कैंडिडेट होंगे गर्ल्स में से तो वो मीन्स क्या होते हैं कि बुरखा पहनते हैं। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट को यार मीन्स एग्जाम के जो टाइमिंग है उससे मीन्स बहुत ही पहले यानी कि आपको 1-1.5 घंटे पहले आप लोग को जाना है। देन आफ्टर वहाँ पर आप लोग को अच्छे से मीन्स परमिशन लेना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको वो लोग परमिट करेंगे। ठीक है, बाकी यार इसके अलावा आप लोग को मेटल की कोई भी चीज़ें नहीं पहननी है, जैसे कि बेल्ट हो गया एंड उसके बाद फिर कोई चेन ये सब हो गया, बाकी हाथ में ये सब कोई कड़ा ये सब पहनते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं अलाउ होगी, आपको बाहर में ही खुलवा कर रख दी जाएगी। ठीक है, बाकी यार आप जितना सिंपल से सिंपल ड्रेस पहन के जाएँ, यानी कि जैसे मैं अभी जैसे कि मैं आप लोग देख सकते हो ये टी शर्ट हो गया सिंपल, यानी कि टी शर्ट पहन के जाएँ। बाकी आप नीचे में आप लोग यानी कि जींस ये सब उतना भारी भरकम जींस ये सब यानी कि ज़्यादा तामझाम वाले नहीं, ऐसा नहीं कि मीन्स 10-15 आपके पैकेट है। ठीक है, तो ये सब आपको लोग को नहीं पहन के जानी है, आपको जितना सिंपल से सिंपल हो। ठीक है, बाकी आपकी शर्ट जो है यानी कि फुल शर्ट नहीं होनी चाहिए, मुड़ी हुई शर्ट नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा यार आप लोग के लिए मीन्स शूज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको स्लीपर जो है पहन के जाना है। ठीक है, स्लीपर भी यार मीन्स जो होते हैं यानी कि स्लीपर का जो सोल होना चाहिए वो ही पतला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यानी कि मोटा मोटा सोल आप लोग को पहन के चले जाओ। ठीक है, तो भी आपको यानी कि स्लीपर भी ऐसे इनकेस में आपको जो है अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। यार इसके अलावा की बात करें डॉक्यूमेंट्स में आपको यार दो और भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाना है, सेम एज आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो मीन्स अपलोड किया था उसी वही फोटोग्राफ सेम मीन्स दो और फोटोग्राफ को लेकर के जाना है, जो कि आपका अटेंडेंस के टाइम में वहां पे और जो है वो मीन्स देना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। ठीक है, तो दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड उसके बाद फिर आपका एक वैलिड कोई भी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले क्या था कि 12th का जो है आपका मार्कशीट 12th का जो है एडमिट कार्ड ये सभी अलाउड हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इस साल से 12th का मीन्स एडमिट कार्ड 12th का मार्कशीट ये सब अलाउड नहीं है, आपको कोई भी यानी कि वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किया गया हो पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड ये सब। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है अकेले जाते हैं तो उनके साथ मीन्स बैग होती है, आपके साथ मीन्स मोबाइल फोन ये सब होती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को यार वहाँ पर मीन्स रखने के लिए जमा करने के लिए अरेंजमेंट होती है, लेकिन यार सबसे बड़ी बात कि उन लोगों के पास यार मीन्स उन लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, एनटीए की तरफ से या तो फिर जो आपका एग्जाम सेंटर में ये सब अरेंजमेंट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपका मीन्स कुछ जो चीज़ें हैं ये मीन्स गायब होगी या तो फिर चोरी ये सब होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार मीन्स आप लोग को अपने खुद के जो है मीन्स रिस्क पे लेकर के जाना है। बाकी यार इसके लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप कोई ना कोई मीन्स अपने पेरेंट के साथ जाएं, अपने मदर फादर के साथ या तो फिर ब्रदर सिस्टर के साथ जाएं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये सब सारी चीज़ों का जो है टेंशन नहीं हो। ठीक है, बाकी यार इसके अलावा और भी इसके पहले बहुत सारी चीज़ें जो है सेंटर पे मीन्स ऑलरेडी पहले से अरेंजमेंट रहती थी, लेकिन कोविड-19 कोरोना के कारण यार बहुत सारी चीज़ें मीन्स अरेंजमेंट नहीं की जाती है। जैसे कि आपको वाटर पहले मीन्स पिलाया जाता था यानी कि बीच में यानी कि आपको प्यास लग गया तो, लेकिन अब जो है कोरोना के कारण ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से मीन्स ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ग्लव्स मास्क एंड उसके बाद फिर हैंड सैनिटाइजर आपका 15 ml का आप लोग को छोटी सी एक जो है बॉटल लेकर के जाने, तभी आपको मिस जो है एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलेगा। ठीक है, बाकी यार इसके अलावा पेन भी जो है पहले मिस वहीं पे दिया जाता था एग्जाम सेंटर पे ही, लेकिन अब से क्या है कि आपको पेन भी ब्लू या तो फिर ब्लैक बॉल पॉइंट आपको मिस पेन जो है आपको खुद से लेकर के जानी पड़ेगी। इसके अलावा यार वैसे स्टूडेंट जो कि बीआर एंड बी प्लानिंग वाले हैं तो उनके लिए मीन्स जो है ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपके लिए पेंसिल हो गया, शॉर्पनर हो गया, इरेजर हो गया एंड आपका जो भी ड्राइंग के और भी मटेरियल होते हैं वो सब आपको खुद से मीन्स वहाँ पे लेकर के जाना है। इसके अलावा यार आप लोग को मीन्स रफ वर्क करने के लिए इस तरह से आपको जो है A4 साइज का आपको जो है 6 pages मीन्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों साइड की अगर जो बात करें तो आपका 6x2 करके यानी कि 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 pages के अलावा यार आप लोग को यानी कि और भी जरूरत होती है तो वो भी आप लोग को मीन्स मांगने पर जो है वो मीन्स अलाउड करेंगे। उसके बाद फिर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा सीट ये देंगे। बाकी यार यहाँ पे मीन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका एडमिट कार्ड पे मीन जो है वहाँ पे मेंशन है कि आपका जो भी यानी कि रफ वर्क आप जैसे ही यूज करना शुरू करोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक कोने में जो है आप अपना नेम एंड आप अपना रोल नंबर को है जो है यहाँ पे मीन लिख देना है। ठीक है, एंड देन आफ्टर आप अपना रफ वर्क करना है। ठीक है, तो आपका जो भी 6 pages या तो फिर जितना भी पेज को यूज करना है सबसे पहले आप लोग को जो भी पेजेज यूज करोगे वहाँ पे सबसे पहले नेम एंड रोल नंबर लिख दोगे एंड देन आफ्टर आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये बात यार बहुत ही मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड तो ये सारी चीजें थी यार आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को लेकर के एंड आपके जेईई के पूरे एग्जाम के गाइडलाइंस को लेकर के आपका सारा ड्रेस कोड ये सब के बारे में भी बता दिया। तो आई होप यार आपको जितने भी सारी चीज़ें बताई आपको मीस अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मीस मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग मीस पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी यार जेईई से रिलेटेड हर अपडेट्स के लिए एंड हर स्ट्रेटजी वीडियोज़ के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको यार काउंसलिंग से लेकर के आपको एडमिशन तक का सारा मीस वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड मेरा यार मोटिवेशन के लिए एक अच्छे से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी बस इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यू क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।